दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके मनोरंजन स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के मैथ से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यदि आप क्लास ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो भी बोर्ड एग्जाम से आप परीक्षा देने वाले हो, जिस भी बोर्ड एग्जाम से परीक्षा दोगे आप, ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पर ये जो प्रश्न आप लिखा गया है या पूछा गया प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आज के इस वीडियो में उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज जानेंगे। तो घबराइएगा, दिन मज़ा आने वाला है, आपके समझ में आएगा, ठीक है। इस सवाल को कैसे लगाएंगे हम आपको बताते हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है, हम आपको बताएंगे कि इस सवाल को कैसे हल किया जाता है, बताएंगे भाई किस सवाल को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले अपने को सवाल पढ़ना है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को हल कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एक बात बताते हैं एक बात, जैसे साइन इनवर्स 1/2 इसका वैल्यू यदि आपके निकालना है, इसका वैल्यू आपके निकालना है, तो दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले साइन इनवर्स का जो मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है पहले आपके पता करना होगा, इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तभी आप सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, अंदर साइन आएगा तभी तो इनवर्स से साइन हटेगा, तभी तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर 1/2 साइन कितने का मान होता है आपके पता है, साइन इनवर्स साइन जो कि 30 अंश का मान होता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वह दोस्तों आपके पता है कि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होता है, तो इन्हीं के बीच में ही लेना है वैल्यू, इन्हीं के बीच में आपके लेना है, बता देते हैं आपको, नहीं गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, तो इन्हीं के बीच में लेना है साइन 30 अंश, ठीक है। तो इसे देखते हुए इसको सॉल्व करना है, यहाँ कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स का क्या होता है, जीरो और पाई के बीच में होता है, जीरो और पाई के बीच में होता है इसका मुख्य मान। तो जब भी यहाँ पर जैसे 1/2 है, तो आपको पता करना होगा ना कि कॉस कितने अंश का मान 1/2 है, ताकि यदि यहाँ कॉस रखेंगे तो कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, समझ जा रही बात, तो जीरो और पाई के बीच होता है कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान। तो इसको देखते हुए हमें क्या करना है, वहाँ पर हल करना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगी भाई। तो मेन फार्मूला, यदि आपकी फार्मूला याद है तो सवाल बहुत आसान होगा लगाने, यदि सवाल आपके नहीं भी आएगा, फार्मूला यदि याद है तो वहाँ पर आपके जरूर कुछ न कुछ समझ में आएगा कि नहीं इसको लगाने का तरीका क्या होगा, समझ में आ रही बात ना। तो मेन फार्मूला गणित रिवाइज मांगती है, गणित को जितना अधिक से अधिक लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, उतना ही बेहतरीन होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए आते हैं हम पॉइंट पर। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि आप फार्मूला याद रखिए, फार्मूला याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका हल देखते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दोस्तों कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 दिया है प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया है, ठीक है, ध्यान से देखना है 1/2 दिया है। तो इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस इनवर्स इसे आप क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कॉस, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेता हूँ, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, मझला ब्रैकेट लगा देते हैं भाई, कॉस कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का मान होता है आपके पता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, आप लिखिए सबसे पहले अंश में ही लिखिए, कॉस 60 अंश ही लिखिए, क्योंकि कॉस 60 अंश का जो मान होता है दोस्तों वह 1/2 होता है, ठीक है। और देखा जाए तो मुझे जीरो और पाई के बीच में ही लेना है, जीरो और पाई के बीच में ही लेना है, तो दोस्तों देखा जाए तो जीरो और पाई के बीच में ही 60 अंश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 साइन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पर 1/2, अब यहाँ पर साइन इनवर्स है तो भाई यहाँ साइन आएगा तभी तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा, तो यहाँ पर आपके लिखना है साइन कितने अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का मान। तो पहले आपको तो लिखना है भाई, पहले आपको लिख लेना है, अंश में ही लिखना है,
पहले आपको अंश में ही लिखना है, ठीक है, इसके बाद हम रेडियन में लिखेंगे। तो दोस्तों आपके पता है कि जैसे रेडियन में बदलने के लिए किसी भी डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से जीरो कटाते हैं, 3 × 3 = 18 मतलब पाई बाई का आता है 6 आता है, ठीक है। तो किसी भी अंश को रेडियन में बदलने के लिए हम सदैव पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, तो जीरो से जीरो कटा, 3 × 3 = 18 पाई बटा के 6 हुआ, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं बताते हैं, उसी तरह यहाँ पर 60 अंश है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटा 180 से क्या करेंगे आप गुणा करेंगे, तो जीरो से जीरो कटा दोस्तों, जीरो से जीरो कटा, 6 × 36 = 18 मतलब क्या आएगा पाई बाई 3। यानी इस तरह से आप कह सकते हो कि जो 60 अंश है उसका जो रेडियन होगा दोस्तों वह क्या आएगा पाई बटा के 3 आएगा, ठीक है। यानी इसे आप लिख सकते हैं क्या कॉस इनवर्स का 60 अंश का जो मान होता है वह क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 60 अंश को रेडियन लिखेंगे कॉस पाई बटा में क्या होगा 3, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस, यहाँ पर प्लस 2 साइन इनवर्स, और यहाँ पर दोस्तों साइन 30 अंश है तो इसका रेडियन मैंने आपको बताया क्या आया था यहाँ पर पाई बटा के 6 आया था, ठीक है, पाई बटा में क्या आया था 6। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यह कॉस पाई बाई 3 हो गया और यह पाई बटा 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, साइन इनवर्स से साइन हटेगा, तो बचेगा क्या दोस्तों पाई बटा 3 बचा, धन 2 और यहाँ पर पाई बटा 6 बचा, तो पाई बटा 6 बचा ब्रैकेट में पाई बटा 6 बचा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा पाई बटा 3 अधन 2 गुणते पाई बटा में 6 क्या हो जाएगा दोस्तों पाई बटा में 6। अब यहाँ देखिएगा चमत्कार होने वाला है, हाई 2 से 2 एक कटाइएगा तो 3 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों पाई बटा के 3 या धन पाई बटा का बचेगा 3। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। आई देखिए ये जब दोनों का हर बराबर है तो अंश क्या होगा चिपक जाएगा, अंश क्या होगा चिपक जाएगा, ना समझे, अरे दोनों का हर बराबर है ना भाई, जब हर बराबर है तो ऊपर वाला क्या होगा चिपक जाएगा, मतलब पाई धन पाई बटा में है 3 होगा, जब हर इक्वल होगा तो अंश अंश ऐड हो जाएगा, तो पाई पाई 2 पाई बटा में क्या आएगा 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सवाल क्या, इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वह दोस्तों वह 2π/3 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो भी आप प्रश्न मैं बता रहा हूँ सबके सब पूछा गया प्रश्न, ठीक है, बहुत पुराना प्रश्न बता रहा हूँ भाई, बहुत पुराना प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरा लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं किस टाइप का अगला प्रश्न है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चाह है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी तुमसे प्यार न होगा गम, तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, लिखते हैं, ठीक है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कॉस कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स 1 − √3/2 ठीक है, कॉस कॉस इनवर्स −√3/2 है, इसके बाद दिया है प्लस कॉस इनवर्स √3/2 आकर आय को का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मजेदार सवाल आ गया, सवाल आपके समझ में आना चाहिए भाई, सवाल में क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बताते हैं आपको। यहाँ पर देखा जाए तो कॉस इनवर्स, ध्यान से, योग कॉस इनवर्स, योग कॉस इनवर्स है जब कड़ी में 3/2 प्लस क है जब माइनस कड़ी में 3/2 माइनस क, तो ऐसे ना घबराइएगा, ये तो आपको बहकाने के लिए दिया है ना, ये तो बहकाने के लिए दिया, काहे घबराइएगा,
हाई देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ माइनस है जब प्लस है, बाकी कुल तो चीजिया सेम है ना बा, कुल चीजिया सेम बा। तो आपके घबराए के नहीं खे, हम आपके बता रहे हैं कैसे लगेगा। इसको पहले सबसे पहले माइनस को भूल जाइए, पता करिए कि कड़ी में 3/2 कितने अंश का मान होता है। हाँ सर मुझे पता है, कड़ी में 3/2 जो होता है कास्टिस अंश का मान होता है। तो इसे पहले सोल्यूशन में देखिएगा दोस्तों, सोल्यूशन में लिखेंगे कॉस कॉस इनवर्स माइनस कड़ी में 3/2 प्लस कॉस इनवर्स कड़ी में 3/2, ठीक है। अब इसके पहले आपको तो माइनस कड़ी में 3/2 कड़ी में 3/2 यहाँ पर वैल्यू रख लेना है, ठीक है। और ये ध्यान देना है दोस्तों कि कॉस इनवर्स जो यक्स होता है, कॉस इनवर्स यक्स, उसका जो मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है ये आपके ध्यान देना है। समझ में आ रही बात? तो जीरो और पाई के बीच में होता है, इतनी बात याद रखिएगा। तो इसको देखते हुए हमें यहाँ पर वैल्यू रखना है, नहीं तो भाई गलत हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इतनी बात आपके ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में गलत कर देंगे। सुनना है आपको, खुद ख्याल करना है कि हमें सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसको क्या करेंगे। कास कास इनवर्स तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एक मझला ब्रैकेट लगाते हैं और कॉस, अभी सिर्फ मुझे कड़ी में 3/2 का मान रखिए। कास कड़ी में 3/2 का जो मान होता है वह 30 अंश होता है दोस्तों, 30 अंश का मान होता है। मैंने क्या किया सुनिए ध्यान से, मैंने अभी कड़ी में 3/2 का ही मान रखा, अभी माइनस अभी जैसे का तैसे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्लस, यहाँ देखिएगा कॉस इनवर्स, यहाँ भी देखिएगा ध्यान से, कॉस कड़ी में 3/2 यहाँ भी क्या लिखेंगे, 30 अंश ही लिखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 30 अंश है यहाँ भी 30 अंश है, तो भाई ये तो अंश में, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। तो मैं आपके बताया था कि किसी भी अंश को रेडियन में कैसे बदला जाए। तो दोस्तों मैं आपके बताया था कि 30 अंश है, इसे रेडियन में बदलना है तो पाई बटा एक्स अवशेष से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये जीरो से जीरो कटा और 3 × 3 = 18, मतलब पाई बटा क्या आ जाएगा 6, ठीक है दोस्तों। मतलब 30 अंश का जो रेडियन होगा वह पाई बटा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पर रखते हैं, देखिएगा ध्यान से, बराबर कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स और माइनस कॉस, ये 30 अंश को रेडियन में रखिए, पाई बटा 6 आया है, मझला ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब दोस्तों क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ से कॉस इनवर्स और ये कॉस 30 अंश को क्या रखेंगे आप, कॉस 30 अंश को, कॉस 30 अंश का मतलब ये पाई बटा 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ तो बात सही है, कॉस इनवर्स कॉस पाई बटा 6 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई इस माइनस को हटाना पड़ेगा। जब तक आप इस माइनस को नहीं हटाइएगा तब तक ये कॉस इनवर्स हटेगा भी नहीं। तो इस माइनस को हटाने के लिए आपको बताते हैं, सबसे पहले पता कर लेंगे मेरे भाई कि चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश हुआ, ये द्वितीय हुआ और ये क्या हो गया, तृतीय। प्रथम द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, तो भाई प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, इस चतुर्थांश में आपको ये देखना है, ये आपको देखना, मैं आपको बताता हूँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों पता करेंगे जो कांश होता है कहाँ का ऋणात्मक होता है, एक तो द्वितीय में कांश ऋणात्मक होता है और तृतीय में होता है। लेकिन याद रखना तृतीय में क्या होता है, 180 से लेके 270 तक होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, 90 से लेके 180, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं क्या बताना चाहता हूँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। द्वितीय में तृतीय में कांश जो होता है वह माइनस होता है, लेकिन ये भी ध्यान देना आपके कि जो कॉस इनवर्स एक्स का जो मान होता है वह जीरो और पाई के बीच में ही होता है, जीरो और पाई के बीच में ही। तो भाई कहीं ना कहीं हमें द्वितीय में ही लेना होगा, अगर हम 90 या 180 में कुछ जोड़ेंगे तो तृतीय में भागेंगे, जब तृतीय में भागेंगे तो भाई कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है जीरो और पाई के बीच में होता है। तो जब पाई में जोड़िएगा तो मत छलांग मारिएगा ना, जब मत छलांग मारिएगा तो गलत हो जाएगा,
कहे से कि कासिम अनवर शेख का जो मुख्य मान होता है जीरो और पाई के बीचों में ना होता है, अब पाई में जोड़ दीजिएगा तो ज्यादा ना हो जाएगा, ना होगा ज्यादा, जीरो और पाई में कुछ और जोड़िएगा तो भाई पाई में कुछ भी जोड़िए तो पाई से अधिक होगा ना। आ हमके का करना है, कास इनवर्स का जो मुख्य मान निकाला जीरो और पाई के बीच में निकालना, ओकर अधिक ना निकालना, याद रखिएगा, निकाल देंगे तो गलत ना हो जाएगा, पूरा मेहनतदार हो जाएगी, जब लिखे रहेंगे ना पेपर में जाके चुन चुन के लिखे रहेंगे बिल्कुल गलत हो देखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, पछताइएगा मत, बाद मत कहिएगा सर बताए नहीं थे, हम तो बता रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, जोड़े 180 में जोड़ेंगे ना, 180 का जो रेडियन होता है वो आपके पता है क्या होता है, पाई होता है, तो पाई में से घटाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, उम्मीद है कि टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, ये रफ कार्य भाई, ये रफ कार्य, रफ कार्य आपको करना है, रफ कार्य करेंगे तभी आपका सवाल का आंसर आएगा भाई। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, कॉस बड़ा ब्रैकेट में कॉस इनवर्स, और इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिएगा कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों, इस माइनस कॉस पाई बाई सिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है। और इस वाले को तो जैसे का तैसे उतार लीजिए दोस्तों, प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई सिक्स, ठीक है। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कॉस ब्रैकेट के अंदर बचा है पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, पाई बटा के सिक्स, ठीक है। अब इनको हल करना है दोस्तों, अब इन सभी को हल करना है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो बताने के लिए भाई जगह तो है नहीं, इसे मिटाना पड़ेगा। सबसे पहले छः का गुणा पाई में करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस छः में पाई का छः पाई होगा, तो इसे लिखेंगे छः पाई और माइनस पाई बटा में क्या होगा छः, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा, प्लस पाई बटा में क्या हो जाएगा सिक्स, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छः पाई में छः पाई में से पाई घटाइएगा तो क्या बचेगा, पाँच पाई बटा में छः और प्लस पाई बटा में छः, ठीक है। अब ध्यान से आपको देखना है दोस्तों, अभी ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पर दोनों का हर क्या है बराबर है, जब दोनों का हर बराबर है तो काश पाँच पाई और धन पाई बटा में क्या लिखेंगे छः, क्योंकि दोनों का हर क्या है इक्वल है, जब दोनों का हर इक्वल रहेगा दोस्तों तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, आप पाँच पाई में से पाई घटाइएगा, सॉरी घटाइएगा ना जोड़िएगा, तो छः पाई होगा, छः पाई बटा छः, तो भाई छः से छः यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी ये छः से छः कैंसिल हो जाएगा, छः से छः कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो बचा क्या, कॉस पाई, और कॉस पाई का जो वैल्यू होता है दोस्तों आपको याद रखना है माइनस एक होता है, क्या होता है माइनस का एक, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, माइनस का एक बनेगा, ठीक है। जैसे आप नोट कर लीजिए दोस्तों, उम्मीद है कि यह प्रश्न, मैंने आज की इस वीडियो में दो प्रश्न बताए आपके, और जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों कि आपके जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि यह समझ में आपके आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दो मित्रों तक शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि आपके वजह से हम आगे बढ़ सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।